साहब साहब एक रुपया नहीं है कोई भी। मैं प्रवीण कुमार सार के साथ 7 महीना से काम कर रहा है, मेरा खुद का पैसा लगा कर, एक टाइम खाने खाए तो खाया, नहीं तो ऐसी सोया। कितना रात का 1-2 बजे तक सब गांव में घूम के प्रचार कर रहा है कि इसको 1 रुपया का पैसा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सब सोता पैसा से, सोता खर्च से। अगर कहां पर मीटिंग है तो सब लोग किसका उन्हें पैसा लगा के, नहीं तो किसका उन्हें कुछ तो काम, अपने को क्या पार्टी का झंडा खड़ा करना है, वो झंडे को सब 20-20, 30-30 रुपया ऐसा जमा कर कुछ झंडा बना रहे थे, चंदा कर कर ऐसा। सांप को जिताने के लिए सब लोग एक ही जगह पे खड़ा है, सांप को जिताने के लिए तैयार है, कोई पैसा नहीं आ रहा। आपने हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को खाली चाहिए विद्या, लाइक स्टडी, हमारे को चाहिए हमारा बहुजन समाज पार्टी, हमारे को चाहिए फ्रीडम, हमारे को चाहिए जातिवाद नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। एजुकेशन करने से हमारे को जो मिलता है हम खुद ढूंढ लेंगे, वो सिर्फ आरएस प्रवीण कुमार दे सकता है। इक्वालिटी फाइन, इक्वालिटी इक्वालिटी चाहिए हमारे को। आरएस प्रवीण अपने चुनावी यात्रा यानी कि चुनाव प्रचार की जो यात्रा है ये लगातार वो पूरी कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, उनके पूरे कार्यक्रम मैनेज्ड है, उनकी पूरी टीम जो है कार्यकर्ताओं की भी जो टीम है वो भी उनके साथ चलती है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में उनके कार्यकर्ता अलग अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, प्रचार गाड़ियां लगी हुई है, और जहां प्रवीण जी जिस जिस जगह पे जाकर रुकते हैं सब जगह का टाइम फिक्स होता है, भोजन का भी समय फिक्स होता है। इस वक्त यहाँ पूरे कार्यकर्ता भोजन कर रहे हैं, सब एक साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि प्रवीण सर उनको क्यों पसंद है। प्रवीण सर क्यों पसंद आया बोलो तो सर अच्छा पढ़े लिखे सो आदमी है, एक आईपीएस अधिकारी है, उसका तनख्वाह जो था 2,37,000 कुछ तो तनख्वाह था, ये सब छोड़ देकर आपने सिरपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आमदार बनने के लिए आया था। वो इससे पहले अपना जो स्कूल है गुरुकुला पाठशाला बोल के सोशल वेलफेयर ट्राइबल वेलफेयर, इसको इतना अच्छा तरीका से उन काम किया, सब अपने SC ST BC माइनॉरिटी सब बच्चों को यहाँ कुछ कोई भी सोशल वेलफेयर हों दो ना ट्राइबल वेलफेयर हों दो उसमें पढ़ाने के लिए भेजाने को डर रहे थे, ऐसा स्कूल को अभी कोई भी मेरे को वहाँ पर सीट होना बोले जैसे बना दिया है। इतना अच्छा काम किया, अपना पीछे गिरे समाजों को इतना ऊपर लेके आया, एकदम कम से कम 2-3 लाख आदमी को बाहर देश में भेजा है आप पढ़ने के लिए, इतना अच्छा काम किया। एक सेक्रेटरी था, अभी एक बार अपने पास आमदार बनकर अगर असेंबली में CM होता है तो कितना अच्छा काम कर सकता, ये हम लोग सब लोग सोच रहा है, उसलिए सार बोले तो हम सब लोग दिल में रखकर काम कर रहा है। आप लोगों ने पहले भी बसपा के एक कैंडिडेट को यहाँ पर जिताया था, इसके पहले भी एक BSP जीत चुकी थी, बाद में फिर उन्होंने पार्टी बदल दी, ऐसा अगर ये करने लगेंगे तो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को ये भरोसा है सार अब अपना राष्ट्र का BSP पार्टी का अध्यक्ष है, और एक मायावती कुमारी मायावती इसको हैदराबाद में सभा लगाकर वहां पर एक बताया कि यहाँ पर आप MLA को जिताए तो आप ही मुख्यमंत्री बोल के बोली है, इसलिए साहब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि साहब एक ही बात पे रहता है, कभी भी झूठ बात नहीं करता, ये हम लोग सब लोग नजदीक से देखा है साहब को, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता, साहब ऐसा आदमी नहीं है प्रवीण कुमार सर। अच्छा ये बताइए कि आप लोग इतने सारे बड़ी संख्या में लोग, मैंने देखा हर जगह पे कार्यकर्ता दिखते हैं, कोई बाइक से मोटरसाइकिल से और लोग कोई पैदल चले जा रहे हैं, महिलाएं हैं, सब लेडीज हैं, सब लोग इसमें आते हैं, कितना पैसा मिलता है? साहब साहब 1 रुपया नहीं है कोई भी। मैं प्रवीण कुमार सार के साथ 7 महीना से काम कर रहा है, मेरा खुद का पैसा लगा कर, एक टाइम खाने खाए तो खाया, नहीं तो ऐसी सोया। कितना रात का 1-2 बजे तक सब गांव में घूम के प्रचार कर रहा है कि इसको 1 रुपया का पैसा नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सब सोता पैसा से, सोता खर्च से। अगर कहां पर मीटिंग है तो सब लोग किसका उन्हें पैसा लगा के, नहीं तो किसका उन्हें कुछ तो काम, अपने को क्या पार्टी का झंडा खड़ा करना है, वो झंडे को सब 20-20, 30-30 रुपया ऐसा जमा कर कुछ झंडा बना रहे थे, चंदा कर कर ऐसा। सांप को जिताने के लिए सब लोग एक ही
जगह पे खड़ा है, सांप को जिताने के लिए तैयार है, कोई पैसा नहीं आ रहा आपने। दूसरी पार्टियां इतना पैसा बांटती है, दारू बांटती है ना, मटन चिकन बिरयानी सारा कुछ बांटती है, आप लोग तो बस ये चावल खा रहे हो, यहाँ पर भात खा रहे हो, फ्राई चावल खा रहे हो। सब सब इस ऐसी बात है कि अभी तक इसे पहले बीआरएस पार्टी आया, इसे पहले टीआरएस पार्टी था। केसीआर ने एक अलाउंस किया था कि ये अपना तेलंगाना अपने को सेपरेट हुए तो अपने बच्चे को सब क्या रोजगारी और उसका जॉब्स सब अपने को आ जाता बोल के एक भरोसा दिया, उस पर थोड़ा ध्यान रख के अरे सही है अपना घर अपने को हुआ तो थोड़ा सुधर लेते बोल के सब लोग हम साथ देकर जिताया उसको। दो बार जिताया तो उन कुछ भी नहीं किया, अपने बच्चों को ये क्या ग्रुप वन ग्रुप टू ये एग्जाम लिख गया, उसलिए उसको कोई मत देने के लिए तैयार, आके बात ही बोलता है करने का कुछ नहीं है उसका, उसलिए उसको छोड़ देकर आर एस प्रवीण कुमार सर बहुत अच्छा काम करके उन काम पर भी किसको डरने वाला नहीं है, अच्छा तरीका आदमी है, बहुत अच्छा से मेहनत कर रहा है, हम नजदीक से देख रहे हैं, उसलिए यही बहुजन समाज को सपोर्ट नहीं जाते सब, कोई भी नहीं जाते। हमारे को पैसा नहीं चाहिए, हमारे को खाली चाहिए विद्या लाइक स्टडी, हमारे को चाहिए हमारा बहुजन समाज पार्टी, हमारे को चाहिए फ्रीडम, हमारे को चाहिए जातिवाद नहीं चाहिए, हमारे को चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन। एजुकेशन करने से हमारे को जो मिलता है हम खुद ढूंढ लेंगे, वो सिर्फ आर एस प्रवीण कुमार दे सकता है। इक्वालिटी फाइंड, इक्वालिटी चाहिए हमारे को, वो सिर्फ आर एस प्रवीण कुमार से होता है। क्यों होता है बोले तो जब आर एस प्रवीण कुमार माइनॉरिटी लो क्लास से आया है उनको सब पता है, और हमारे को जो जो बच्चे लो पुअर फैमिली से उन्हें अभी तक हम कोई पार्टी में फिरे तो भी पहले आर एस प्रवीण कुमार नहीं था, बहुजन समाजवादी भी नहीं था, फिर भी हम पहले हमारे को मुख्य नेता नहीं था इसलिए हम उधर इधर भटकते थे, लेकिन हमको अभी भी भरोसा आया कि 100% शोध हम बोल रहे हैं कि आर एस प्रवीण कुमार से ये होता है, हम भी उनके पीछे हैं। इस बार जो है वो जो वोटिंग के पहले दिन रात में जो पैसा बढ़ता है उसमें कोई बैठेगा नहीं, कोई नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं हो सकता, कारण ये इसका बात मैं जवाब दूंगा, क्योंकि ऐसा अगर होता है तो अभी उन पैसा दे रहा, दारू दे रहा, चिकन मटन सब खिला रहा है, उसके साथ घूमते थे ना, अभी तक ऐसा कोई नहीं जा रहा बोले तो 100% वो पैसा दिए देने दो और सोना देने दो चांदी देने दो, कोई भी उसको मदद देने वाला नहीं है। आर एस प्रवीण कुमार सर बहुजन समाज पार्टी को लेकर आया, एस सी एस टी बी सी माइनॉरिटी बहुजन बोले तो बहु बोले तो ज्यादा जन बोले तो आदमी, ये सबका है, सबके लिए मैं आया, सबका विकास करने के लिए आया, मेरे को इतना तनखा छोड़ के आया बोल के सर बोला, इसके ऊपर अपने को विश्वास है, सर आलमपुर का था लेकिन यहाँ सिरपुर कॉन्शियंस में आके घर लिया, मैं मरे तक यहीं रहूंगा बोल के वादा किया, इसलिए हम सब सर के साथ है। ये बताइए कि आप लोग क्या काम करते हैं, आप लोगों का रोजगार का क्या साधन है, क्या कैसे चलता है? सर एक्चुअली मैं एमए इंग्लिश मैं पास हुआ हूँ, अभी तो मेरे को बेरोजगार नहीं है सर, और मैं अभी फिलहाल एक लोकल डॉक्टर लाइक आरएमपी जी मैं उसमें प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा एक्चुअली 500 या 200 ऐसा कमाता हूँ, फिर भी वो जॉब छोड़ के हम आरएसपी सर से पीछे है सर। अच्छा। उनके पीछे सपोर्ट करने के लिए रेडी है। आप क्या करते हो? कष्टकारी करते हैं। कष्टकारी मतलब खेती बाड़ी करते हैं। कपूस लगाते हैं। मिल जाता है उसका दाम सही मिल जाता है? कितना जमीन है? 5 एकड़। 5 एकड़ 5 एकड़ में कपूस लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते? नहीं, उसका अच्छा आपका घर चल जाता है उसमें? हाँ चल जाता है। आपका क्या रोजगार? सब मैं ड्राइवरी काम करता हूँ, ड्राइवर छोड़ दे के सार के पीछे घूम रहा, अभी प्रेजेंटली एक उपसरपंच है मुत्तमपेट गांव का सार, यहाँ आते आते मंडल का बीएस पार्टी मंडल अध्यक्ष बना दिया, यही काम में घूमते घूमते सार के पीछे है। अच्छा, हमारा वादन एक ही है, पूरा बहुजन वादन है। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कौन जी? मैं जरूर जानता हूँ सर, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे एक पूर पीपल पूर फैमिली से आया है, फिर भी उन्होंने एक पहली कक्षा में गए थे उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे जो अदरवाइज अदर जो थे हायर क्लास फैमिलीज उनको सपोर्ट भी नहीं करते थे, फिर भी डॉक्टर बाबा साहेब बाहर रहकर भी उन्होंने स्टडी किया, और हमारा जो
पूर पीपल से, जैसा माइनॉरिटी क्लासेस है जो दलित लोग है, उन्हों भी फ्यूचर के लिए एक ही उनका कॉन्सेप्ट था कि हमारे जो पूर पीपल से कंपलसरी उन लोग चुनाव में लाइक हायर उसमें आना चाहिए बोल के उनका एक ही कॉन्सेप्ट था। और उन्होंने हमारे को एक ही कॉन्सेप्ट दिया कि जो पूर पीपल से उनको हर तरीका का लाइक स्टडी हो, स्टडी भी आल्सो एक्चुअली हिंदी प्रॉब्लम है सर, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कुछ किया है सब ये जमीन पे जितना जानवर है आदमी है सब एक कास्ट वो कास्ट बोलकर नहीं दिखाया है। बाबा साहब इतना अच्छा तरीका से संविधान में लिखकर अपने को दे दिया और अपने को वोट हक देने के लिए लंदन में उसका बच्चा मरकर था छोड़कर जाके अपने को वोट हक मिला के दिया। ये वोट से ही कोई भी आगे बढ़ सकता और वोट होना सबको शिक्षण होना इसे ही आगे बढ़ सकता बोल के बाबा साहब अम्बेडकर बोला। इसलिए अभी यही तरीका से यही रूट में अपना आरएस डॉक्टर प्रवीण कुमार सर आ रहा है, इसलिए हम सब लोग इसका पीछे चल रहे हैं। सुबह से शुरू होता है इनका ये भ्रमण कार्यक्रम, प्रचार का ये जो पूरा दिन का इनका शेड्यूल होता है वो पूरी तरह से फिक्स होता है, गजब का मैनेजमेंट है। सब जगह पर ये तय होता है कि कहाँ किस जगह पर वो पहुंचेंगे, उसके बाद कहाँ वो सभा लेंगे, कहाँ पर वो नुक्कड़ सभा लेंगे, किस जगह पे वो छोटी सी रैली में चलेंगे और कहाँ वो भोजन करेंगे। ये तमाम जो चीजें हैं ये पूरी तरह से मैनेज्ड हैं और ये सारा मैनेजमेंट उन्होंने खुद जो है संभाला है और तमाम लोगों को इसमें लगाया हुआ है। बहुत ही विकेंद्रीकरण पूरी व्यवस्था है और हम देखते हैं कि गजब तरीके से उन्होंने सभी लोगों को इन कामों में लगा रखा है। बसपा के लिए जान देने वाले लोग जिस तरह से यूपी में हमें दिखते हैं कुछ उसी तरह से यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि लोग जो है इस तरह से कैडराइज्ड हैं कि बसपा के लिए वो पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रहे हैं।